तो हे गाइस, कैसे हो। मैं हूं बलराम और आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे जिसके थ्रू आप अपना एम्पोकेट का ब्रॉविंग लिमिट बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि हमारा ब्रॉविंग लिमिट कैसे बढ़ा। आई थिंक देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा फिलहाल अभी ब्रॉविंग लिमिट आपको दिख रहा होगा 12,000 है, जिसमें कि मैं 4,500 कर्ज ले चुका हूँ उस पर से, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे एक नया मोबाइल लेना था और जिसमें मुझे 4,500 कम रहा था, तो मैं यहीं से लोन लिया हूँ और मुझे अगले महीने से पे भी करना है। तो फ्रेंड्स, आपको भी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपना एम्पोकेट का ब्रॉविंग लिमिट कैसे बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, एम्पोकेट का ब्रॉविंग लिमिट बढ़ाने के लिए आज की इस वीडियो में हम 3 ट्रिक्स आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो 3 ट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल के डिस्प्ले पे। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के डिस्प्ले पे और आपको बताते हैं कि आप भी अपना ब्रॉविंग लिमिट कैसे बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्पोकेट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने एम्पोकेट पे विजिट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपने एम्पोकेट पे विजिट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अ हायर ब्रॉविंग लिमिट। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो यहाँ पे लिख देगा यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अ हायर लिमिट, बिकॉज ऑफ अगर आप कोई स्टूडेंट हो या अभी प्रेजेंट में कोई पढ़ाई कर रहे हो तो कॉलेज या स्कूल से उस वहाँ से कोई एक आईडी प्रूफ लेना है, या चाहे उसका रिजल्ट ही, चाहे कुछ भी हो जो प्रेजेंट में भी हो तो वहाँ से आपको ले लेना है, चाहे बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई बोनाफाइड सर्टिफिकेट है कॉलेज का जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हो तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट ट्रिक्स है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू आप अपना ब्रॉविंग लिमिट बढ़ा सकते हो। और 2 ट्रिक्स और बचा हुआ है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, हम तीनों ट्रिक्स को बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो आपको पूछा जाएगा कि आपका कॉलेज का स्टार्टिंग डेट कब था। तो मेरा 17 अगस्त को था, 2017 अगस्त में था, और 2021 दिसंबर में एंड था। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है ना कि हम अपना आईडी कार्ड जो अपलोड किए हैं वो 2021 के बाद वाले हैं, इसलिए हमारा ये पेंडिंग दिखा रहा है। पर हम अपना 2 ट्रिक्स अलग से यूज करके तब हम अपना ब्रॉविंग लिमिट बढ़ाए हैं। तो जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा देशभक्त यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है और आपको मैं रेड लाइन से अंडरलाइन करके आपको बता दे रहा हूँ कि देख सकते हैं हमारा 2021 लास्ट है, 2021 लास्ट है, जबकि यहाँ क्या है, मैंने अप्लाई कब किया है, 2021 के बाद, इसीलिए हमारा पेंडिंग में दिखा रहा है। अगर आपके पास कोई करंट है तो वो दे सकते हैं और यहाँ पे आपको ब्रॉविंग लिमिट बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे लिख देगा थैंक यू फॉर योर सबमिशन ऑफ द डिटेल्स, वंस अप्रूव्ड यू विल बी गेट एन नोटिफिकेशन, राइट नो। तो यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रिक्स। तो चलते हैं अब दूसरे ट्रिक्स की ओर, जिसके थ्रू आप अपना ब्रॉविंग लिमिट बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ऊपर से 3 लाइंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेसेस खुल जाएगा। तो सबसे पहले हमको एम कॉइन्स पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने एम कॉइन्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं हाउ टू अर्न एम कॉइन्स लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी बेनिफिट्स होगा रेफ़र करने के बाद वो सारा यहाँ दिखा दिया जाता है। पर इसमें एक और बेनिफिट्स है जिसको ऐड नहीं किया गया है फ्रेंड्स, जो कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स आपके लिंक से साइन अप करता है तो आपका ब्रॉविंग लिमिट 1,000 से 2,000 हो जाएगा। अगर जितना फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स आपके रेफरल लिंक से अगर साइन अप करते हैं तो आपका वैसे वैसे ब्रॉविंग लिमिट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से आप अपना रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हो गया आपका दूसरा ट्रिक्स। अब हम चलते हैं तीसरे ट्रिक्स की ओर कि ऐसा कौन सा ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप अपना ब्रॉविंग लिमिट बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने एक्टिविटीज़ पे चले जाते हैं। ये हमारा तीसरा और लास्ट ट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स, एक्टिविटीज़ पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे
करना क्या है आपको, सबसे नीचे में देख सकते हो, मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर देता हूँ। मेरा ड्यू डेट है 9 दिसंबर को, जबकि मैंने पैड कब किया है 3 दिसंबर को ही, 6 दिन पहले। आप यहाँ से लेकर आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक मैं 8 दिन 10 दिन में इसका पैड कर देता हूँ। तो क्या होता है फ्रेंड्स, आप जितना जल्दी पैड करते हो उतना आपको एम कॉइंस भी दिया जाता है और ड्रॉबिंग लिमिट भी बहुत फास्टली में बढ़ा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और फिलहाल फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फिलहाल आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फिलहाल बाय बाय।